उपनगर सलोनी की राजकीय माध्यमिक पाठशाला जखराल में तैनात एकमात्र अध्यापक के तबादले के बाद अब बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिसे उधारी के अध्यापक के सहारे संवारा जा रहा है। मगर अब अभिभावकों ने भी कड़ा रुख अपना लिया है, जिसे लेकर स्कूल प्रबंधन समिति ने शुक्रवार को एक आपात बैठक बुलाई और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि अतिशीघ्र उनकी पाठशाला में स्थायी अध्यापक की तैनाती की जाए। बताते चलें कि वर्ष 2015 में उक्त पाठशाला को माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया गया, मगर यहां एक से अधिक स्थायी अध्यापकों की तैनाती कभी नहीं हो पाई, जबकि वर्तमान समय में 25 से 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। मेरा नाम अंकिता राणा है। मैं स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में अध्यापक ना होने से हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। हमारी वार्षिक परीक्षाएं भी आ रही हैं। हमारे स्कूल में अध्यापक ना होने से हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में अध्यापक ना होने। हमारे यहाँ पाठशाला में एक अध्यापक थे जिनका तबादला किसी अन्य स्कूल में हो चुका है, लेकिन अब उनका तबादला होने के कारण यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इनका भविष्य जो है अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे बच्चों को अंधकार में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर अध्यापकों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर दी जाए। जी, मैं चैन सिंह, गाँव जखराल से। हम आज सब एकत्रित हुए हैं यहाँ एक चिंतनीय विषय लेके कि हमारे अध्यापक, एक ही अध्यापक थे यहाँ स्थायी टीचर हमारे अध्यापक जी, उनका भी तबादला हो गया है जी, तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है हमें। 2015 से ये स्कूल अपग्रेड हुआ था, जो कि 2019 चल रहा है, और तीन अध्यापक आए और आया राम गया राम हो गए। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि भाई अगर ऐसा ही प्रथा चलानी है तो इस जखराल स्कूल को बंद किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य से ना खेला जाए। मेरी यही प्रशासन से भी मांग होगी, सरकार से भी यही मांग है कि हमें स्थायी रूप से अध्यापक दें, या तो स्कूल अधिकारी को निर्देश दिया जाए कि इस स्कूल ही को ताले लगा दिए जाएगी। माध्यमिक पाठशाला जखराल में जो SMC की गोष्ठी के हिसाब से यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमें यही पता चला या है कुछ कि हमारे यहाँ मास्टर की जो है तब्दीली हो गई है और हमारे यहाँ जो 25-30 के करीब बच्चे हैं उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है और वार्षिक परीक्षाएं भी उनकी आ गई हैं और हमें यहाँ जो है मास्टरों की बहुत कमी है और हमें प्रशासन से यही मांग करनी भी है और करेंगे भी कि हमें जो है यहाँ मास्टर अध्यापकों की जो है कमी है उनको पूरा किया जाए। मैं मंजू बाला बार पर स्कूल में उपस्थित हूँ। यहीं पे एक अध्यापक था और उसकी बदली हो गई है। प्रशासन से यही मेरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी से जल्दी अध्यापक भेजे जाए और हमारे बच्चों का भविष्य जो खतरे में पड़ रहा है, बारिश की परीक्षाएं आने वाली हैं, इसी प्रशासन से मेरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी यहाँ। मैं उत्तम सूर्यवंशी आज अपने अन्य ग्रामीणों के साथ राजकीय माध्यमिक पाठशाला जखराल में हम सब एकत्रित हुए हैं, जिसका कारण है यहाँ पर एक मात्र अध्यापक का तबादला अन्य किसी स्कूल में कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर 25 से 30 बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनकी शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा है, क्योंकि अब वार्षिक परीक्षाएं भी आने वाली हैं, जिससे अब इन बच्चों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः मेरी प्रशासन और सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ताकि इन बच्चों का भविष्य अधर में लटकने से बच जाए और अगली
कक्षा में ये अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर जाए। धन्यवाद।